बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। किशनगंज के इंटरमीडिएट के छात्र मोहम्मद चांद ने कॉमर्स में 470 अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद चांद शहर के नवाबगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने किशनगंज के इंटर हाई स्कूल से पढ़ाई की है। मोहम्मद चांद की इस उपलब्धि के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। मोहम्मद चांद के पिता वसी अहमद पेशे से ग्रिल मिस्त्री हैं। बेटा मोहम्मद चांद ने कड़ी मेहनत और परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया है। बेटे की इस उपलब्धि पर चांद के पिता वसी अहमद कहते हैं कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उनकी इच्छा है कि बेटा आगे जाकर UPSC पास करके अच्छी नौकरी करे और उनका जीवन खुशी से बीते। मोहम्मद चांद की मां नूरी बेगम ने बताया कि परीक्षा के दौरान बेटा रात भर जाकर पढ़ाई करता था और उस वजह से हमेशा हर क्लास में अव्वल भी आता था। अब बस एक तमन्ना है कि आगे वो खूब पढ़े और उसने अपने लिए जो लक्ष्य सोचा है उसे पूरा करे। वसी मोहम्मद चांद ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि वो आगे UPSC की तैयारी कर IAS या IPS बनना चाहता है। उन्होंने बताया कि उनका जीवन काफी अभाव में बीता था। माँ बाप ने खुद भूखे रहकर हमें खाना खिलाया और पढ़ाया। आपको बता दें कि इस साल 13,40,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। इनमें से 78.04% छात्र पास हुए हैं। न्यूज़ डेस्क।